हेलो एवरीवन वेलकम टू द था एंड वेरी वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस व्हिच इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज़ खुशबू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टू डेज अनिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आउट द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड आज हम कवर करेंगे तीन टॉपिक्स सस्पेंशन ऑफ एम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ये प्रिलिम्स प्लस हमारा जो मेन्स है दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है्यूज नंबर ऑफ एम अच्छे खासे नंबर ऑफ़ एम जो है उनको सस्पेंड किया गया है फिर दूसरा है सी ओ पी एंड सिटीज़ से रिलेटेड कि सिटीज़ का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर जहाँ तक बात आती है ये यू नो एंड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके इम्पैक्ट को कम करने की एंड अडेप्टेसन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें तो सिटीज़ के बिना वो सारी चीज़ें अचीव नहीं करी जा सकती हैं तो हाउ इट इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ को लेकर के काफ़ी कुछ जो है चहल पहल हुई है सी ओ पी ट्वेंटी एट में सो वी विल चेक आउट दिस थिंग ऑल्सो तो ये अगेन प्रिलिम्स एंड मीन्स दोनों ही से ही हमारा इम्पोर्टेंट uh, हो जा रहा है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट माइस एंड डेमोक्रेसी तो ये बेसिकली यहां पर दिखा रहा है कि किस तरीके से मायस जो है ये अ uh, ग्राउंड लेवल पे अपना इम्पैक्ट अच्छा खासा छोड़ करके रखे हुए हैं ओके okay. तो उनको टैकल करने के लिए हमको किस क्या, जो हमको मतलब कि गवर्नमेंट्स को क्या करने की ज़रूरत है तो दैट इज़ वॉट हैज़ बिन मैंशन ओवर हियर, तो दीज आर द टॉपिक्स जिनको आज हम कवर करने वाले हैं बट बिफ़ोर दैट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा जी एस फाउंडेशन प्रोग्राम जो है दिस इज़ गोइंग ऑन इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी डेटा मतलब कुछ भी चाहिए आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी डाउट्स को रिजॉल्व करना है यू पी एस सी के प्रपेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड यहाँ से जो है आपको डेफिनेटली सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे एंड अपार्ट फ्राम दैट अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स वी आर हैविंग सी सर पेपर टू कोर्स एंड इंटरव्यू प्रोग्राम जो है ये भी है तो आपको इनके बारे में भी डिटेल्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम ओबियसली मैम इज़ वेरी मच फेमस रिलेटेड टू हर फिलासफ़ी तो फिलासफी ऑप्शनल की जो बैच है दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन तो आप जो है इसको भी एनरॉलमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिंपली कॉल ऑन दिस नंबर एंड आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे ओके चल सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक पहले हम जो हैं ये टॉपिक कर लेते हैं एम वाला बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंट हालांकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बट लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग फर्स्ट सेवेंटी एट एम पीज हाइएस्ट नंबर्स ऑफ एम पीस व सस्पेंडेड यस इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है जिसके बाद इन्होंने कहा हाँ ये लो, जो लोग हैं इन लोगों ने कहा कि भैया दिस इज एंड ऑफ़ डेमोक्रेसी दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी दिस इज वॉट दे सेट देखो ऐसे ही नहीं है कि सस्पेंशन की जब बात आती है एम की इट्स नॉट लाइक कि एकदम से उठे अरे सस्पेंड करो इसको एंड सस्पेंड कर दिया like चीज प्रोवोक करने वाली कोई चीज कर रहे हो वैसे कुछ हरकत कर रहे हो देन ओनली यू विल बी सस्पेंडेड दिस इज द पॉइंट राइट तो यहां पर हम जानेंगे कि इनके सस्पेंशन से जुड़े हुए पॉइंट्स कि जब एम को सस्पेंड किया जाता है तो उसके पीछे के क्या रीजंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू हम समझेंगे ओके okay, तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे तो बता रहे हैं कि किस तरीके मतलब कितने एम जो हैं वो बेसिकली इनको यहाँ से सस्पेंड किया गया है अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज डू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि जनरली ऑपोजिशन के जो एम होते हैं उनका ज़्यादा सस्पेंशन uh, होता है अब यहाँ पे उन्हीं का ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल का सस्पेंड होने के पीछे क्या रीजन है ऑब्वियस ही बात है कि जो अपोजिशन होती है सब सबसे ज़्यादा हल्ला करती है कि भैया जो गवर्नमेंट में है जो सरकार में है उनका किसी तरह कोई काम हो ही नहीं बाधा हो तो काफ़ी टाइम लॉट ऑफ रक्स इज एक्चुअली बींग क्रिएटेड ओवर वही बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी टाइम ये भी कोशिश करी जाती है कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए सो दैट जो प्रॉपर एक बिजनेस होता है पार्लियामेंट का वो ना हो सके तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से सस्पेंशन हो सकते हैं ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग ओनली तो वाई व एम पी सस्पेंडेड एम को जो है वो सस्पेंड क्यों किया गया तो दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू डिसरप्टिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वाइल प्रोटेस्टिंग लास्ट वीक्स पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच तो पिछले महीने जो सॉरी पिछले हफ्ते जो पार्लियामेंट की ब्रीच हुई है इसको लेकर के इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे कर दिया कि भाई पार्लियामेंट में ब्रीच इतनी बड़ी ओवे सी बात है कि बहुत बड़ी घटना थी ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी जहाँ पर कि इतने सारे मतलब ये लोग ब... लड़के वहाँ पे घुस गए इट जस्ट लाइक दैट कि बहुत अच्छा हुआ कि कुछ उन्होंने एक्सट्रीम कोई कदम नहीं उठाया सो दैट वॉज रियली वेरी गुड बट स्टिल कुछ एक्सट्रीम हो सकता था तो उसको लेकर के ये लोग डिसरप्ट करने की को कोशिश कर रहे थे देवर प्रोटेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम दैट लोकसभा में जो अपोजिशन थी उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट का डिमांड किया कि भैया वो यहाँ पर आए और बोले दे स्टार्टेड शोइंग फ्लैक एंड ऑल ओवर देयर इन द पार्लियमेंट एंड बहुत ज्यादा जो है रकस वो क्रिएटिंग ओवर देयर एंड जो स्पीकर है लोकसभा में स्पीकर तो स्पीकर के उधर जा करके जो पोडियम है वहां पर चले गए विच इज एक्सट्रीम जस्ट लाइक की स्कूल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे सारी चीजों हो रही है क्लास टीचर को परेशान कर रहे हो सब चीज हो रहा है बट गोइंग टू दी प्रिंसिपल प्रिंसिपल की ऑफिस में उस तरीके की हरकत करना प्रोटेस्ट करना दैट इज रियली वेरी ह्यूज स्टेप टू बी टेकन यू नो तो वही काम यहाँ पर इन्होने किया राज्यसभा में ऑपोजिशन ने स्लोग जो है वो रेस किए पार्लियामेंट की ब्रीच को लेकर के एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आ, उन्होंने काफी ज्यादा जो है नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में उन्होंने बहुत ज्यादा डिसरप्ट करने की कोशिश करी तो प्रॉपर तरीके से कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा था अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि भैया ये वाई डू एम पी पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती है उसमें ये डिसरप्शन क्यों लेकर के आते हैं तो

तो चार पैटर्न इन्होंने देखे हैं कि भाई दीज आर द पैटर्न्स जिसके ऊपर जिसके हिसाब से दिस इज समथिंग विच वी कूड एक्चुअली सी कि इस तरीके की हरकतें ये लोग ये रीजन है जिसकी वजह से ये करते हैं ओके पैटर्न ये रीज़न है जिसकी वजह से कहते हैं तो कौन कौन से पैटर्न देखने को ले मिले हैं एक तो लाइक लैक ऑफ टाइम अवेलेबल टू एम पी फॉर रेजिंग इम्पोर्टेंट मैटर्स कि एक तो उनके पास टाइम नहीं रहता है इंपॉर्टेंट मैटर्स को रेज करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है दूसरा रहता है अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड रहता है उसके अलावा जो रिटेलिएटरी पॉस्चर होती है ट्रेजरी बेंचेस की तो दैट इज़ द वन नेक्स्ट थर्ड सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि डेलिबरेट डिस्ट्रप्शन बाई द पार्टीज डेलिब्रेटली वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं फॉर पब्लिसिटी पर्सेस फॉर पब्लिसिटी पर्पसेज

उसके बाद कौन सा पॉइंट आ जाता है उसके बाद पॉइंट आता है एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट की उनकी बातें ना सुनना उसको इग्नोर करने वाला टाइप एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट आता है डेलीबरेट डेलिबरेट डिसरप्शन जो कि हम आए दिन देखते हैं कि भाई ये इस तरीके के काम करते रहते हैं डेलीबरेटली डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं एंड द लास्ट वन इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्शन कि भाई ये इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं राइट right? तो फिर यहाँ पे तुरंत कोई एक्शन लेने की जरूरत है ताकि इसके बाद किसी तरीके के कोई भी एम जो हैं वो सेम चीज ना करें उनको वहीं पे ही फुल स्टॉप लगा दिया जाए सो so, वो जो प्रॉम्प्ट एक्शन है वो नहीं होता है ओके सो दीज आर द फोर पॉइंट्स जो कि ओवर द इयर्स देखने को मिली है जिसकी वजह से एम क्या करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अब जो गवर्नमेंट है बेसिकली क्या करती है कि वो पार्लियामेंट की एजेंडा सेट करते हैं दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंड दे इवन डिसाइड कितना टाइम जो है वो डेडिकेट किया जाएगा किस इशू को लेकर के तो कुछ कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जहां पर कि ये ज्यादा टाइम देना चाहते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस बट दैट इज ऑल्सो नॉट बींग प्रोवाइडेड will be dedicated to any issue parliamentary procedure also prioritizes government business over the other matters ki government ne ye ye cheeze jo hai wo pehle se decide karke rakhi hai to parliament ki jo proceedings hai usme ye cheez dekha jata hai ki bhai parliament की जो proceedings है कि भाई, की जो उसमें यह देखा जाता है कि भाई जो government ने अपने businesses अपनी तरफ से पहले से तय करके रखी है उन चीजों के ऊपर ज्यादा focus देकर के काम किया जाए पार्लियामेंट ने अभी लास्ट सेवेंटी इयर्स में उन्होंने अपने रूल्स में किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट नहीं करे हैं ना हु कैन सस्पेंड द एम पीज एम पीज को कौन सस्पेंड कर सकता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उसको सस्पेंड कर सकते हैं अब चाहे लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के चेयरमैन हो तो वो लोग जो है सस्पेंड uh, कर सकते हैं तो बेसिकली पावर्स उन्हीं के पास होते हैं अब लोकसभा हाँ में कुछ रूल्स हैं जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हो सकती हैं तो रूल रूल्स 373, 374 एंड 374 ए किसके अंडर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ठीक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में रूल्स 373, 374 एंड 374 ए हैं जो कि जिसके अकॉर्डिंग स्पीकर अपने डिसीजन ले सकता है राज्यसभा में यही जो रूल्स हैं, वो टू टू फिफ्टी फाइव एंड टू फिफ्टी सिक्स है ओके तो यहाँ पे पार्लियामेंट लोकसभा में क्या कौन से हैं थ्री सेवेंटी थ्री थ्री सेवेंटी फोर एंड थ्री सेवेंटी फोर वहीं पे ही राज्यसभा में ये कौन से हैं ये टू फिफ्टी फाइव एंड टू फिफ्टी सिक्स ये राज्यसभा में है तो इनको याद रखिएगा ध्यान से क्योंकि ये के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए बहुत ज्यादा राइट तो ये वाली चीज हो गई तो नाव जब प्रोसीजर की बात आती है दोनों ही हाउसेस की तो दोनों ही हाउसेस में प्रोसीजर जो है वो लगभग सिमिलर ही रहते हैं पहले क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो पहले डायरेक्ट कर सकते हैं एमपी को कि इन ऑर्डर टू विद्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट तो आर्टिकल 373 और आर्टिकल 255 के हिसाब से 373 आपका क्या होगा लोकसभा का और 255 जो है आपका राज्यसभा का तो इन इन रूल्स के हिसाब से वो एम को डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई यू गो आउट क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने दे रहे हो ओके okay. अगर ये चीज वर्कआउट नहीं करती है और एमपी जो है वो कंटिन्यूसली डिसरप्ट करता ही जा रहा है तो इस टाइम क्या हो जाता है तो प्रिडिंग ऑफिसर क्या नेम द लेजिस्लेचर अब ये होता है आर्टिकल रूल नंबर थ्री फिफ्टी थ्री सेवेंटी फोर ऑफ दी, दी लोकसभा एंड टू फिफ्टी सिक्स ऑफ द राज्यसभा इसके बाद जो क्या इसके बाद क्या होती है जो हा, जो हाउस है दे कैन मूव अ मोशन टू सस्पेंड द एम पी अंटिल द एंड ऑफ द सेपेंशन वाली चीज जो है वो आ जाती है पहले तो वो वार्निंग दे देते हैं तुम निकल जाओ उसके बाद फिर नेम लेकर के जो ये काम हो जाता है तो वहां पर ये आ, ये सस्पेंशन वाला जो मोशन है वो आ जाता है एंड उसके बाद जो जब तक वो सेशन नहीं एंड हो जाए तब तक वो सस्पेंडेड रहते हैं अब ये जो रूल्स हैं वो 1952 से लेके अभी तक कोई खास उसमें चेंजेस नहीं आए हैं लेकिन 2001 में लोकसभा ने फर्दर स्पीकर को कुछ पावर्स दे दिए थे कि जब बहुत ज़्यादा ग्रेव डिसऑर्डर पे आ जाए ग्रेव एंड डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रिएट हो जा रही है कहाँ पर क्रिएट हो जा रही है इन दे इन दी पार्लियामेंट देन what दे कैन डू तो इसके बाद जो है यहाँ पर रूल नंबर थ्री सेवेंटी फोर ए आ रहा है क्योंकि आपको पहले याद होगा कि पहले एम पी एस क्या करते थे चेयर लेके कुर्सी लेके कोई भी चीज लेकर के एक दूसरे के ऊपर मारते रहते थे, थे तो चेयर्स को जो है इन सारी चीजों को फिक्स कर दिया गया था लेटर ऑन राइट तो बहुत ज्यादा जब डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है काफी टाइम तो ऐसा होता था एक दूसरे को पकड़ के पीटने भी लगा करते थे अभी तो फिर भी काफ़ी ज्यादा बेटर सिचुएशन हो गई है राइट तो या वो तब अब ये क्या कर दिए उन्होंने इस तरह ये वाला एक पॉइंट जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया नाउ एन एमपी एन एमपी नेमड बाय द स्पीकर शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव डेज और फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सेशन अब नाम लेके एमपी का एक बार स्पीकर ने बोल दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस रूल नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड पांच दिन का सस्पेंशन किया जा सकता है या फिर पूरे सेशन के लिए ही उसको सस्पेंड किया जा सकता है नाउ दिस रूल रिमूव्स नीड फॉर द हाउस टू पास अ मोशन फॉर दैट ऑफ सस्पेंशन Okay, अब यहाँ पे ये जो दिस रूल रिमूव द नीड फॉर द हाउस टू पास द मोशन क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था मोशन लाया जा रहा था उसको उसको सस्पेंड करने के लिए लेकिन यहाँ पे 374 ए के हिसाब से अब आपको किसी भी तरीके का कोई भी मोशन लाने की जरूरत नहीं है स्पीकर ने बोल दिया मतलब जुबान से बात निकल गई इसका मतलब यू आर नाउ गॉन सो दैट इज द पॉइंट एंड दिस इज हाउ सस्पेंशन इज एक्चुअली बिंग डन राज्यसभा हैज नॉट इन कॉर्पोरेटेड दिस प्रोविजन टू इथ प्रोसीजर तो ये वाला प्रोविजन राज्यसभा के इधर तो नहीं है लेकिन मंडे में राज्यसभा चेयर जो थे उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी मूवड मोशन टू सस्पेंड दी एंड दिस वॉज अडोप्टेड बाई इट द वॉयस वोट तो वहां पे जो है जो भी एम को सस्पेंड करना था तो राज्यसभा में चेयरमैन ने नाम से बोला और वॉय वोट के थ्रू जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया दिस इज हाउ हैज बीन द सस्पेंशन हैज बीन डन ओके अब हाउ लॉन्ग कैन बी सस्पेंडेड ये कब तक जो है इनको सस्पेंड किया जा सकता है एक बार हम ये देख लेते हैं तो अगर हल्की फुल्की ऑफेंसेस रहती हैं तो इट्स लाइक दैट पनिश्ड बाई एडमोनिशन और रिप्रिमांड विद द लेटर बीइंग द मोर सीरियस ऑफ द टू पनिशमेंट्स अब यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है कि माइल्ड ऑफेंसेज आर देयर देन ओके देयर विल बी दी एडमोनिशन और दाट ऑफ द रेप्रीमांड एंड इसमें रेप्रीमांड जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन रहता है ना आफ्टर दिस कम्स द पनिशमेंट ऑफ द विड्रॉल एंड एज पर द रूल ऑफ थ्री सेवेंटी थ्री लोकसभा के लोकसभा में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस है इसमें क्या लिखा हुआ है रूल में The speaker, if he is of the opinion that the conduct of any member is grossly disorderly, may direct such member to withdraw immediately from the house and any member so order ki aap house chale so order to withdraw shall do so for, for with, forthwith. का जो डायरेक्शन है वो मानने से बुर, वो मानने से मना कर देता है तो डेफिनेटली पनिशमेंट ऑफ सस्पेंशन विल बी देर अगर आपने नहीं माना तो सस्पेंशन रहेगा कैन बी सबेंडेड सस्पेंडेड एट अ मैक्सिमम फॉर द रिमेंडर ऑफ द सेशन ओनली कि जो पूरा सेशन है उस सेशन में आप जो है वो नहीं आ सकते हो ओके okay? मोर ओवर दाउस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन री इंस्टेट अस्पेंडेड मेंबर बाई पासिंग अ मोशन अब पार्लियामेंट में जो है मोशन पास कर दिया कि इसको बाहर इसको हम सस्पेंड कर दिए थे इसको वापस ले आते हैं तो वो चीज जो है वो ज़रूर हो सकती है अब अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस हैं मिसकॉन्डक्ट की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जब केस हो जाती है तो इस पर्टिकुलर पर्पस में क्या होगा जो हाउस है वो एक मेंबर को एक्सपेल भी कर सकता है टू रिड द हाउस विद द हु आर अनफिट फॉर द मेंबरशिप जो मेंबरशिप के लिए है ही नहीं ब, वो लोग बन गए किसी तरीके से बट दे आर नॉट फिट फॉर द मेंबरशिप तो इस तरीके के जो लोग हैं डेफिनेटली वहां पे क्या होगा उनको यहाँ पे ये चीज बोली जाएगी कि भाई दीज पर्सन आर नॉट फिट फॉर द मेम्बरशिप प्लीज लेट दम गो राइट नाउ इज अस्पेंडिंग एम पीज कॉमन प्रैक्टिस क्या एम पीज को सस्पेंड करना बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है तो यहाँ पर ये ओवरऑल लास्ट फ्यू ईयर्स डेफिनेटली ये जो सस्पेंशन का केस है ये इंक्रीज ही हो रहा है इट इज नॉट बेसिकली गोइंग डाउन तो ज्यादातर जो केसेस हैं डिसऑर्डर्स इन द हाउस अराइज आउट ऑफ अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन Felt by members due to lack of opportunities to make his point or clear his chest of grievances of the people that move him out, move him or out of the heat of the moment, they are perhaps easier to deal with. This has been said earlier. Well, the, uh, the overall point is that yes, if, if whatever things are there, but whenever you are opposing, if you want to keep your कीप योर वर्ड्स फॉरवर्ड दे आर आर मेनी मेनी वेज टू डू सो रादर देन डिसरप्टिंग द होल पार्लियामेंट उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू डेफिनेटली यू कैन पुट योअर वर्ड्स आप जो अपनी ओपिनियन है अपनी पॉइंट जो है वो सामने रख सकते हो बट डिसरप्टिंग कंप्लीटली जिसकी वजह से इतना एक्सट्रीम पोजिशन इतना एक्सट्रीम जो है आपके साथ हो जाए तो दैट इज नॉट द राइट बिकॉज यू वॉन्ट भी एनी पोजिशन इन ऑर्डर टू डू समथिंग सो दैट इज नॉट द राइट थिंग अब दीज आर द एम कुछ एम हैं जिनको जो सस्पेंड किया गया है ओके इन मेनी वेज इट फॉल्स ऑन द प्रिइडिंग ऑफिसर टू मेंटेन अ क्रोशियल बैलेंस इन द हाउस इज रियली वेरी डिफिकल्ट एट पीपल मस्ट हैव सीन कि बेचारे की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए स्पीकर ऑफ द लोकसभा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बेचारे चिल्लाते रहते चिल्लाते रहते बट नो बड़ी एक्चुअली लेसन दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन्स वाइल्ड एनफोर्समेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द स्पीकर इज असेंशियल रियल वेरी असेंशियल फॉर स्मूथ कॉन्डक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट हर जॉब इज टू रन द हाउस नॉट लॉड ओवर इट द सोलूशन देयर फॉर हैजू बी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड दैट ऑफ द चेंज इंग इंडिया सो अलोंग विद दैट वी आर सपोज टू एक्चुअली कीप इन माइंड कि हमको उसी हिसाब से सारे काम करने हैं अब यहाँ पे ये चीज कहते हैं कि जो स्पीकर है या फिर जो चेयरमैन है दे आर नॉट सपोज टू थिंक कि भैया हम यहाँ के लॉर्ड है नॉट लाइक दैट ओके इफ समन वॉन्ट्स टू स्पीक अबाउट समथिंग लेट देम डू दैट उनको भी अपने पॉइंट्स जो है वो रखने की आ, पूरा का पूरा जो है हक होता है बट दे आर वेरियस वेज टू डू दैट ओके नेक्स्ट आता है यहाँ पे वॉट डज सीओ पी ट्वेंटी एट मीन फॉर सिटीज सिटीज के लिए सीओपी ट्वेंटी एट जो है वो बेसिकली क्या मतलब रखता है दिस इज वट इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू से तो यहाँ पे खैर अभी फिलहाल उतना कुछ चीजें जो हैं पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है दो बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है एक तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए जब भी आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं दिस इज समिंग विच इज हैिंग लाइक ग्राउंड लेवल रियालिटी देखते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर इज बिंग इम्पेक्टेड ठीक है पहले जो है मैक्सिम पीपल कहा खेतों में काम किया करते ठीक है तो ऑब्वियसली अब खेतों में काम करना मतलब बोले तो रूरल एरिया में लोग रहते हैं. क्लाइमेट चेंज हो रहा है प्रॉपर मॉनसून प्रॉपर रेनफॉल प्रॉपर मेनी थिंग्स आर नॉट हैपनिंग सो व्हाट विल हैपन डेफिनेटली यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा प्रॉपर अर्निंग नहीं हो रही है लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन देन डेफिनेटली द रूरल पीपल दे विल मूविंग ऑन टू अर्बन एरियाज ओके तो जब सीओपी स्टार्ट हुई थी 1995 में जब सीओपी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम जो अर्बन पॉपुलेशन था वो 44 परसेंट था लेटर ऑन एट प्रेजेंट जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है फिफ्टी फाइव परसेंट है ओके अभी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 55 हो चुकी है एंड ये 2050 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 68 परसेंट हो जाएगी सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सर्च ऑफ द जॉब फॉर द लाइवलीहुड थिंग डेफिनेटली द पीपल दे विल विल बी मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरिया तो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट जो है वो रूरल एंड अर्बन एरिया ये दोनों पे ही बहुत ज्यादा गहरे तौर पर देखने के लिए मिल रहे हैं विच के नॉट बी विच के नॉट बी इग्नोर्ड अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें किसी भी तरीके के आपको चेंजेस लाने हैं उसको रिड्यूस करना है कुछ भी करना है तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द सिटीज़ आल्सो यू नीड टू कीप एन आई ओवर देम आल्सो सिटीज़ के ऊपर भी उनके डेवलपमेंट को भी लेकर के बहुत सारा कुछ करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैज़ बिन मैंशन ओवर ही चेकआउट तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि सिटीज़ को लेकर के क्या जो है वो डिस्कशंस हुए थी तो जब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज़ यू एन एफ डबल सी जो है ये सी ओ पी इनिशिएट किए थे 1995 में जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि नाइन उस टाइम अर्बन पॉपुलेशन 44 परसेंट थी सिटीज जो कि सिटीज़ में रहते थे जो लोग फिफ्टी परसेंट अभी करंटली ये है पोजीशन एंड 68 परसेंट देखा जा रहा है कि 2050 तक ऐसा रहेगा बाय 2050 अर्बन वर्ल्ड जो कि आज अभी के टाइम में वो रफली अराउंड 75 परसेंट जो प्राइमरी एनर्जी है उसका 75 फाइव परसेंट कंजम्पन जो होता है वो कहाँ पर होती है ये सिटीज में अर्बन एरिया में होता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रफली 70 परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के सेवेंटी परसेंट उस चीज के एमिशन के ये लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसका मतलब ये है कि अगर जो पेरिस कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के, वो जब तक अर्बन इश्यूज को नहीं हैंडल करेंगे अर्बन इश्यूज को नई चीज देखेंगे तब तक दे बी एबल टू टैकल दो चलो नाउ लेट्स मूव ऑन सिटीज हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सिटीज हैं दे बेसिकली रिप्रेजेंट हैव बिन फॉर मल्टी लेवल ग्रीन डील गवर्नेंस एंड फॉर रिवाइजिंग द गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एनर्जी एंड दैट ऑफ द्लाइमेट एक्शन बिकॉज दिस इज समिंग विच इज एक्चुअली डायरेक्टली इम्पेक्टिंग दिटीज तो सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ओनली ट कुछ यूरोपियन सिटी ग्रुप्स भी थी जिन्होंने वहां पर सिटीज के लिए कुछ एक्शन लेने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट उन्होंने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया है अपार्ट फ्रॉम दैट दे है फॉर्मली रिकोगनाइज करिए फॉर्मली रिकोगनाइजिंग दी रोल ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नेगोसिएशन एक्सलरेटिंग एंड स्केलिंग अप क्लाइमेट एक्शन बाय वर्किंग अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस and that of the sectors and providing direct financing and technical assistance to cities and that of the regions and apart from that they have also said that kijo cities and regions and they are the one who play really very important key roles jahaprabhata the climate relation, uh, related ambition ko ke, forward and creating green jobs reducing air pollution and improving human health and well-being as well अब अपार्ट फ्रॉम दैट दे की सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ उनके सारे अडेप्टेबिलिटी उनके प्रॉब्लम एंड ऑल्व वो सारी चीजें देखने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑबियसली इंडिया तो इंडिया के इधर मतलब ग्लोबल साउथ के ऊपर फोकस करना जरूरी हो गया तो जो सिटीज़ हैं ग्लोबल साउथ की दे आर फार मोर वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स उनके जो वेस्टर्न सिटीज़ हैं उनके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ग्लोबल साउथ की जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा वलनरेबल है तो जो सिटी के लीडर्स हैं जो सिटी के लीडर्स हैं दे आर हार्डली एम्पावर्ड की जो मेजर एम्प्लॉयमेंट की बात हो इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर देन वी ऑल ऑफ अस आर नो नो अबाउट दिस थिंग इनफॉर्मल सेक्टर में है मेजर मेजर पॉल्यूशन सॉरी पॉपुलेशन एंड अडेप्टन इज की एज मोस्ट सिटीज आर वालनेबल टू क्लाइमेट एंड इंड्यूज डिजास्टर्स एंड देंट अप्राइव टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू सिटीज हैज फर्दर हैज फर्दर वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड दुअर सो दिस इज वॉट देर सिंग की रिच एंड पुअर के बीच में जो एक गैप है ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से और भी ज्यादा ये गैप जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से और भी ज्यादा स्प्रेड होते जा रहे हैं इनके बीच में गैप जो है और भी ज्यादा हो जा रही है मोस्ट कंट्रीज एंड इन इंडिया फोर्टी परसेंट ऑफ दर्बन पॉपुलेशन दे बेसिकली लिव इन दी स्लम्स ज्यादातर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो स्लम एरिया में रह रहे एंड यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कंडीशन दे मस्ट बी लिविंग इन पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत ही मेजर मेजर इश्यू है जब बात आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को लेकर के सोशल एंड इकोनॉमिक इनिक्विटीज को लेकर के एंड क्वाइट इनहेरेंट इन देयर सिस्टम्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटिंग अ क्लाइमेट एटलज सिटीज मैपिंग देम एंड आइडेंटिफाइंग हॉट स्पॉट दीज आर दंस दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन ट्राई टू रिजोल्व द प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेजर सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है वेयर इन दे विल भी दे आर सपोज टू प्रोवाइड द फिनेंशियल 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 आर्किटेक्चर know इन uh, order to इंक्लूड दी cops funders फंड क्लाइमेट चेंज के लिए उसके अडेप्टशन के लिए मिट्टिगेशन के लिए कोई भी चीज़ें करनी है तो उन सभी चीज़ों के लिए फिनेंशियल हेल्प भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेशनल अडाप्टशन प्लान्स

पीयर हैडिंग दर क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड हैव डिसाइडेड टू मीट देयर जीरो अमिशन टारगेट्स बाई ट्वेंटी फिफ्टी इन्होंने पहले टारगेट कर लिया कि हम दो हज़ार पचास तक जो है क्या कर लेंगे हम ये जो जीरो अमिशन अचीव कर लेंगे एंड इवन बिफोर द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट क्योंकि इन्होंने 2070 में बोला है हम यहाँ पर इन्होंने चेन्नई ने डिसाइड कर दिया कि नहीं भाई हम तो 2050 में ही कर लेंगे तो दिस इज़ हाउ अगर सारे सिटीज़ इस तरीके से टारगेट करके अपनी तरफ से एफोर्ट लगा करके इस तरीके से पहले कर लेंगे तो सभी कहते हैं ना बूंद बूंद भरे घड़ा घड़े मतलब ये पूरा समुद्र जो है वो बूंद बूंद करके सारा समुद्र भी भर जाएगा उसी तरीके से हर एक सिटीज जो है वो अपना ही ढंग से केयर कर ले और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन सभी को या फिर जो एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सभी को हेल्प करती जाए उनको उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं प्लान्स हो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो देन डेफिनेटली थिंग्स कुड बी डन इन अ वेरी बेटर वे एंड काफ़ी पहले जो है हम अपने ये टारगेट्स अचीव कर लेंगे वन डिग्री सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है ये जो पैरिस में अग्रीमेंट हुआ था इस पॉइंट को लेकर के जो पॉइंट बात हुई थी वो सारी चीजें जो है हम नहीं टच कर पाएंगे मतलब उतना नहीं होने देना है ना तो वो हम ऑब्वियसली बात है कि उस चीज को हम देख लेंगे हैंडल कर लेंगे बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके के चीजें चल रही right. यहाँ पर जो पॉइंट है वो है हमारा रिलेटेड टू दी डेमोक्रेसी ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज अ बल वॉक अगेंस्ट मॉय यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहीं पे बता देती हूँ पूरे आर्टिकल का निष्कर्ष जो है यहाँ पे कि हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से जब वोटिंग हो रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेमोक्रेसी तो ये जो माइस्ट लोग हैं व्हाट दे आर डूइंग दे आर नॉट लेटिंग पीपल इन ऑर्डर टू गो एंड वोट इन्ह इन लोगों का हमेशा से यही एक रहता है कि जनता सरकार जनता सरकार जो है वो उस उसी हिसाब से ये काम करने पे बिलीव करते हैं गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से किस तरह कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है तो वो डेवलपमेंट भी नहीं होने देते और इस तरीके का पिक्चर क्रिएट कर देते हैं दैट आट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग गवर्नमेंट को ओवरऑल अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट दिखाने की जरूरत है ताकि लोगों को जो ट्राइबल लोग हो उनको ये चीज़ समझ में आए कि दैट द गवर्नमेंट द डेमोक्रेसी इज द वन वील विच विल बी एक्चुअली सेविंग देम वो जिस तरीके की मिजरी वाली लाइफ जी रहे हैं जिस तरीके की अनडेवलप्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं दैट विल बी एक्चुअली दैट वुड एक्चुअली बिकम बेटर दे द गवर्नमेंट कैन मेक बेटर थिंग्स थिंग्स दे द गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर देम बट उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ट्राइबल लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ग्राउंड लेवल पर हमारा किसी तरह कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बट वहीं पर ही मायस लोग जो है वो ग्राउंड लेवल से ही काम करना शुरू करते हैं तो उससे उनकी जो प्रेसेंस है वो ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेसेंस ऑफ डेमोक्रेसी दैट ऑफ द गवर्नमेंट तो दिस इज द पॉइंट द ऑथर इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट कि यहाँ पे जो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं राइट सो अब अपार्ट फ्रॉम दैट जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ट्राइबल्स को लेकर के मेनली जो इशू सबके सामने लेकर के आएंगे भाई इनका रिलीजन चेंज किया जा रहा है तो इस इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा पॉइंट आउट करके उन चीज़ों को ज़्यादा डील मतलब उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं बात करते हैं बट एक मेन कंसर्न जो उनसे रिलेटेड है रिलेटेड टू दैट डेवलपमेंट एंड उनको वो जो एक जनता सरकार का एक जो एक उनके सामने आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया गया है वो हटाने का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट को पीसा यानी कि यहां पे प्रोविजंस ऑफ जो प्रोविजंस है पंचायत एक्सटेंशन पंचायत एक्सटेंशन टू तो शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पीसा इसकी जो मोडालिटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है पीसा 1996 में ही पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज शेड्यूल्ड एरियाज़ में पंचायत को लेकर के आने के लिए ये 1996 में ही इसको लेकर के आ गया गया था लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग पॉइंटेड आउट कि पीसा को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके पंचायत जो है वो वहाँ पर भी आ सके तो इनका एक ये जो पॉइंट है ना जनता सरकार जनता सरकार तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर बहुत ही आराम से डील करी जा सकती है जस्ट बाई पीचा पीसा क्योंकि पीसा जो है वो एक तरीके से उनको पावर दे रही है इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर देमसल्फनली ओनली फॉर देमसल्फ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पंचायत को बहुत सारे एक्टिविटीज़ बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य करने के लिए सरकार पैसे भी देती है तो वो सारे काम भी हो सकते हैं ंग ट्राइबल्स अब यहाँ पे कह रहे जो मायस है दे हैव क्रिएटेड ए मिथ अबाउट देमसेल्स की दे की मायस जो है वही सिर्फ उनके सर्वे सर्वा है दे आर दन कूड एक्चुअली डू एवरी थिंग फॉर देम राइट दे आर द राइट पर्सन जो कि ट्राइबल के हर एक चीज़ों को सुनते हैं एंड ऑल लेकिन ग्राउंड रूट लेवल पे हमारा यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि सरकार का किसी तरह का कोई प्रेजेंस नहीं आ रहा है तो पीसा को इम्प्लीमेंट करना और सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश कर सके सो दिस इज वॉट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल so i hope you people enjoyed today's session this was all about today's session see you in the next video bye bye take care and have a great time jai hind